ऑनलाइन वीडियो में हम विषय विज्ञान कक्षा अष्टमी के अध्याय 12 घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक समझेंगे और समझकर इस पूरे वीडियो को सावधानी से समझेंगे। सबसे पहला हमारा है पाठ घर्षण। घर्षण को अंग्रेजी में फ्रिक्शन भी कहते हैं। फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण बल। तो घर्षण बल की सबसे पहले डेफिनेशन बताने जा रहा हूं कि संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच, यानी कोई वस्तु है और उसके संपर्क में दो पृष्ठों के सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। इस घर्षण बल को मैं कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे हम एक मेज लेते हैं और उस मेज पर एक पुस्तक रखते हैं, पुस्तक पर हम धीरे से धकेल देते हैं और वह पुस्तक कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। इस ही क्रियाकलाप को हम पुनः विपरीत दिशा में बल लगाकर करते हैं। हम पुस्तक पर बल लगाते हैं तो वह भी कुछ दूरी जाकर रुक जाती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है और घर्षण बल, क्या हम कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल कार्य करना चाहिए? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि उस पर एक घर्षण बल होता है, वह उस गति का विरोध करता है। तो अब हम देखेंगे कि आपने देखा होगा कि यदि आप बाई दिशा में हमने बल लगाया था, यानी कि हमने उस पुस्तक में बाई दिशा में बल लगाते हैं, तो घर्षण बल इसके विपरीत यानी दाई दिशा में लगेगा। और यदि हम दाई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बल बाई दिशा में कार्य करता है। तो घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। इसे उपयुक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल लगा था वो पुस्तक और मेज के बीच में कार्य करता है। घर्षण बल सभी पृष्ठों पर कार्य करता है, चाहे पृष्ठ चिकना हो, चाहे खुरदरा हो, चाहे और भी कोई किसी भी प्रकार का हो। अब यहाँ हमारा अगला बिंदु है, उसको पढ़ाने जा रहे हैं, घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक।